सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो श्री, आपके बारे में तो आप सब लोग सुन ही चुके हैं कि वो कितनी दूर से पैदल करते हुए वो मक्का में पहुंचेंगे ना, इतने मतलब एक साल लग जाएगा तो उनको पहुंचने करीब। सो हमने जो वीडियो बनाई, थैंक यू सो मच जो आपने वीडियो देखी है वो, एंड आई होप आपको पसंद आई होगी। वैसे सो आज की वीडियो होने वाली है मुफ्ती तारिक मसूद जी की, वो बताएंगे कि पैदल हज करने जाना कैसे, मतलब उसी से रिलेटेड है कि हज करने पैदल जाना हो। हाँ। तो उसके रिलेटेड ये बताएंगे कि क्या क्या होता है या कुछ भी जो भी होगा वीडियो में वो हम जरूर देखेंगे। तो देखते हैं कि क्या कहा है मुफ्ती तारिक जी ने इसके बीच में। सो करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो क्या हुआ साइंटिस्ट हो आप, क्यों ऐसे बोल रहे हैं? करें प्ले जी। मैं मुझे असल में एक फिजिक्स का एक बड़ी पेचीदा इक्वेशन है, उसको मैं हल कर सकता हूँ। उसको बैठ के आपने हल करना शुरू कर दिया। अकलमंद कहेगा भाई तेरे से जो पूछा गया है उसको तू फोकस कर, जो सवाल पूछा नहीं जा रहा उसका जवाब क्यों दे रहा है। अब आप जवाब में ये कहें यार देखो मेरी इतनी मेहनत करके मैंने फिजिक्स की इस इक्वेशन को हल किया है, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मुमतहिन और एग्जामिनर मेरी इस मेहनत को ज़ाया कर दे, यकीनन 100 नंबर देगा। उससे क्या भाई 100 नंबर तुझे हाइड्रोजन डाइऑक्साइड लिख देता मिल जाते। आपके इतने आसान सवाल के 100 नंबर नहीं हो सकते। ये दलील सही होगी? नहीं यार, ये बात मेरा ख्याल है। ओ भाई ये दलील बिल्कुल गलत होगी। क्या ये नहीं देखा जाता कि सवाल मुश्किल है या आसान? हमने देखा ना यूट्यूब पे एक हिंदू क्रॉलिंग करता हुआ पता नहीं दिल्ली से यूपी जा रहा है या कहाँ जा रहा है, लेट के कह रहा है भाई ये पता नहीं कौन से भगवान है जिसकी रूह खुश हो जाएगी इससे। तो आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या है? 0। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली ना कि एक पैदल हज करने जा रहा है कोई, मन्नत मानी भी और ताकत भी नहीं थी। आपने फरमाया अल्लाह को इसकी ज़रूरत नहीं है कि तुम अपने आप को इस मुसीबत में डालो, ये तो तुम्हारी अपनी तुम्हारी वो है ना, अगर आप में इस्तेआत नहीं और आप पैदल जा रहे हैं हज करने के लिए। तो ये वो चीज़ें जो आपने अपने ऊपर लाजिम कर ली हैं। तभी कुरान कह रहा है ला तुहर्रिमु तय्यिबात मा अहल्लल्लाहु लकुम, जो पाकीज़ा चीज़ें अल्लाह ने हलाल कर दी उनको हराम मत करो, अपने ऊपर खामखा की पाबंदियाँ मत लगाओ। इन पाबंदियों से तुम तो डिप्रेशन में जा सकते हो, सेहत बर्बाद कर सकते हो। ये हमसे उम्मीदें मत लगाना कि आखिर में तुम्हें आखिरत में इसका अजर मिलेगा, 0 नंबर होंगे तुम्हारे, बल्कि उल्टा गुना होगा। तो मैं उनसे कह रहा था भाई तुम शादी कर लेते, बीवी बच्चे होते, तुम्हारी डिजायर्स पूरी होती, सेहत अच्छी होती, तुम्हें औलाद मिलती, औलाद के तो देख के इंसान की बाँछें खिल जाती हैं। लेकिन महाराज का अपना नजरिया, वो अपनी सोच। भारत तो ये कह रहे हैं कि जो मतलब हज पैदल करता है ना, क्योंकि उस टाइम पे एक बार जब प्रॉफिट मोहम्मद को चलता पता तो उन्होंने मतलब इस चीज़ को बंद करा था ना, क्योंकि वो ये कह रहे कि अगर आप इस चीज़ के लिए अगर आपकी सेहत ख़राब है ना, अगर आप नहीं कर सकते तो आप कर रहे हो तो वो चीज़ गलत है फिर, है ना। हाँ। अपनी सेहत पे मत इस चीज़ को लो। अगर तो आप मतलब पूरे कम्फर्टेबल हो ना, फिट हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट की आपको पता कि मैं कर लूँगा इजीली, तो आप जा सकते हो, तो वो कंप्लीट भी होगी, कबूल भी होगी। लेकिन अगर आप लोग बीमार हैं और जा रहे हैं मतलब ना, तो उसमें वो फिर चीज कंप्लीट नहीं होगी। हाँ। सो ये लिखा है कहने की हमारे नबी कहा है, सो ऐसा होगा, है ना। तो बाकी आपसे भी बताना कि आपको क्या लग रहा है कि लेकिन शिहाब जा रहे हैं वो तो पूरा मतलब वो तो मतलब पूरे दिल से जा रहे हैं, लोग इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं उनको, ये देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि जब कोई इंडिया का अपना ही कोई आदमी आगे आता है तो बहुत से लोग उसको सपोर्ट करते हैं। वहां पे रिलीजन नहीं देख रहे हैं कि कौन जा रहा है या किस लिए जा रहे हैं, पर सारे इकट्ठे हो रहे हैं कि नहीं यार इतना स्ट्रगल करके या एक दिल में उम्मीद ले गया ना, तो हम तो यही अल्लाह से करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि रिक्वेस्ट बोलते हैं अल्लाह से प्रे फरियाद करेंगे कि उनके हज कंप्लीट हो अच्छे से और कबूल भी हो, हाँ, और वो हज करके वापिस घर पे सही सलामत आ जाए। आते वक्त भी वो पैदल आएंगे, ये चीज़ है ना एक सोचने वाली, आते वक्त भी वो पैदल आएंगे मेरे ख्याल से जहाँ तक गैस है। अच्छा वो जून में गए हैं, फरवरी में वहाँ पहुँचेंगे, हज करके कितने दिन लगते हैं हज करने का पूरा ये नहीं पता हमें, एक दिन में हो जाता है पूरा कंप्लीट जो भी रहता है, तो फिर वो करके वापस आएंगे अगर पैदल तो फिर वो 2024 तक ही घर पे वापस पहुँचेगा ना 1.5 साल के बाद। सो ये था, बाकी होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो, और वीडियो रिकमेंड करते रहें जो कुछ इन्फॉर्मेटिव होंगी। मेरे को वीडियो शो हो रही थी शहाब छोटर भाई की, उनका यूट्यूब चैनल भी है, पर उनकी आई थिंक तमिल में है वो सारी वीडियोज़, तभी उन पर इतने ज़्यादा लोग देख नहीं रहे हैं, 2-3 लाख लोग देख रहे हैं जो वहाँ के पर्टिकुलर एरिया के बिलोंग करते हैं।
तो क्योंकि हमें तो समझ आती नहीं है तमिल लैंग्वेज, तो ये था। बाकी देखते हैं जो भी अपडेट्स रहेंगे हम भी देते रहेंगे, आप भी देते रहना। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।